हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है या जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए और मिशन MPSC जो कि टारगेट हम लेकर चल ही रहे हैं, तो उसके नज़रिए से हम MCQ या जो भी टॉपिक होता है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक नए टॉपिक संघीय मंत्रिपरिषद यानी यूनियन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उस पर डिस्कशन करेंगे और उस पर जो MCQ बन सकते हैं उन MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो MCQ शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि संघीय मंत्रिपरिषद आखिर होती क्या है। ठीक है, तो नाम से ही आपकी बोलचाल की भाषा में समझाना चाहूँगा कि संघी मतलब संघ मतलब यूनियन यानी देश का सिर्फ एक देश में जो होगा एक होगा। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रियों की परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो संघी मंत्रिपरिषद है वो इसलिए बनाई जाती है कि जो राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उन शक्तियों का प्रयोग कर काम करना या काम करने के लिए जो बनाया जाता है संगठन या परिषद बनाती है वही संघीय मंत्रिपरिषद कहलाती है। तो सिंपल सा आपको बता दूँ, संघीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर कार्य करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इस पर MCQ क्या बन सकते हैं वो उस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला प्रश्न क्या है कि भारत की एक संघीय परिषद होगी, यह प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है। और आपके ऑप्शन क्या है, 73, 74, 75 और 76। तो आपको बता दूँ ये अनुच्छेद बता रहे हैं, ये अनुच्छेद 73 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल नंबर 73, आर्टिकल नंबर 74, 75 और 76। तो यह प्रावधान किसमें है, तो आपको बता दूँ आर्टिकल 74 में संघीय परिषद होगी। ठीक है, यानी एक मंत्रिपरिषद होगी जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन या सलाह देने के लिए होगी। ठीक है ना, तो अभी मैंने आपको बताया जो राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त होती है उस शक्ति का जो रियल में प्रयोग करती है तो मंत्रिपरिषद ही करती है जो होती है और उस पर अमल करती है और काम करती है। तो मतलब यही हुआ कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और उसके कार्यों को संपादन करने के लिए ये हेल्पफुल होती है। तो संघीय मंत्रिपरिषद होगी तो वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 74 में यह विदित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संघीय मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपके, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अन्य मंत्री होते हैं यानी प्रधानमंत्री के अलावा, प्रधान जो मंत्री होता है वो प्रधान होता है, मंत्रियों का प्रधान होता है तो वो प्रधानमंत्री हुआ। फिर बाकी जो मंत्री होंगे जिन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है तो वो मंत्री, तो उन मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति यानी इन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो 74 में ही बताया गया है, 74 में ही बताया गया है कि मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और 74 में ये भी है, एक विदित है कि जो मंत्रिपरिषद होगी उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा जिसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये 74 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका कि संघीय कार्यपालक की समस्त सत्ता वास्तव में किसमें निहित होती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, यानी संघीय कार्यपालिका, मैंने बताया ना जो संघ की कार्यपालिका होती है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है तो वो क्या होती है, जो राष्ट्रपति को समस्त शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जो मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। तो दो बड़ी विषय आते हैं जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले किसी सेशन में, कि जो राष्ट्रपति होता है उसके पास कानूनियन शक्ति होती है, कानूनन शक्ति उसको प्राप्त होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, तो प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या है कि संघीय कार्यपालिका की समस्त सत्ता वास्तव में किसमें निहित होती है। तो ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या यह सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के अनुसार वो होगा मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की वो रियल में होती है। ठीक है, समस्त सत्ता वास्तव में किसके नहीं होती है, तो मंत्रिपरिषद, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
और आगे प्रश्न क्या है कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपके, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कैबिनेट सचिव। तो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता जो मंत्रियों का प्रधान होगा तो कौन होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल है, लॉजिकली आप बोल सकते हो अध्यक्षता कौन करेगा, जो मंत्रियों में प्रधान होगा सबका तो कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो होगा वही मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, जो बैठक होगी उसकी। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, तो बड़ा ही कंपलसरी प्रश्न है ये, आपको पता होगा कि सबको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो जो मंत्री हो, जो प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री के जो अन्य मंत्री होंगे मंत्रिपरिषद में, तो उन सभी मंत्रियों को जो गोपनीयता की शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद में शामिल होता है। ठीक है, तो नाम से ही है, कितनी बार डिस्कशन कर चुका हूँ, तो लॉजिकली आप कर सकते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री होते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री होता है इसके, और जो भी बाकी जो विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, जो भी अलग अलग सब डिपार्टमेंट के सब डिपार्टमेंट हैं, उन सभी मंत्री इस मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक होता है व्यक्तिगत रूप से, दूसरा होता है सामूहिक रूप से। ठीक है, तो प्रश्न जो है वो व्यक्तिगत रूप से बोल रहा है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के प्रति, ये ध्यान रखिए, व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, इंडिविजुअली जो मंत्रिपरिषद होती है पूरी, वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो और दूसरा कौन होता है, सामूहिक रूप से। तो सामूहिक रूप से बता दें, जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो जो ये जो बता रहा हूँ सेकंड, कि सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, ये 75, सॉरी 75 के 75 आर्टिकल में बताया गया। ठीक है, ये बस ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 75 है, उसमें ही सब आर्टिकल है एक, तो उस सब आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो सामूहिक रूप से, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से, कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर बात की जाए तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मंत्रिपरिषद को कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी अधिक से अधिक कितने तक मंत्री पद पर बना रखता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रावधान है इसका, वो है 6 माह तक। तो कोई भी व्यक्ति सदन का सदस्य बन सकता है, बशर्ते उसे 6 महीने के अंदर उस सदन में दोनों हाउसेस में से किसी एक की मेंबरशिप लेनी होगी। ठीक है ना, तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य 6 माह तक बिना सदस्य हुए विश्वास रह सकता है, तो लेकिन 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, ये एग्जैक्ट और फैक्ट डाटा है, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, कि मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अब यहाँ पर दो सिद्धांत, अभी मैंने डिस्कशन किया कि निजी क्या प्रश्न था, ये प्रश्न था। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो अभी मैंने डिस्कशन किया कि दो सिद्धांत, एक कौन सा, एक सामूहिक उत्तरदायित्व, एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो दोनों इसमें ये है, निजी उत्तरदायित्व मतलब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है, राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत किसके लिए, लोकसभा के लिए। मतलब इसका जो सही आंसर क्या होगा, डी, उपयुक्त दोनों पर। तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर कार्य करती है और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर भी कार्य करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, कि भारत के प्रधानमंत्री, आप क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, का निर्वाचन होता है, का मनोनयन होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, नियुक्त को इंग्लिश में बोलते हैं अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हम जो इलेक्शन करते हैं, जो कहते हैं ना लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो लोकसभा का इलेक्शन जो होता है वो सांसदों के लिए होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सांसदों का। तो सांसद जब ये जाते हैं सदन में, संसद में जाते हैं, तो इनकी परिषद बनती है। ठीक है, और जिसका भी बहुमत होता है, ठीक है ना, और उस बहुमत दल का जो नेता होता है, उस बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति बोलता है कि आइए आप अपनी सरकार बनाइए। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्त होती है, इलेक्शन नहीं होता है, इसे ऑप्शन भी है, इसलिए क्लियरली बोल रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्त होती है। ठीक है, मैंने समझा दिया कैसे। तो हम जो इलेक्शन करते हैं वो सांसदों का करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी है तो वो भी सांसद हैं किसी ना किसी क्षेत्र से, जैसे उत्तर प्रदेश वाराणसी से वो सांसद हैं। तो इसी प्रकार हम सांसदों का करते हैं इलेक्शन। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री होता है उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री के, जो भारत का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न आपका, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन रहे? तो ऑप्शन क्या है आपके? सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर, सी राजगोपाल आचारी और जगजीवन राम। तो आपको पता होना चाहिए कि सरदार पटेल जी हमारे पहले गृह मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, जो पहली सरकार बनी थी और जो मंत्री बनाए गए थे सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के। तो जो गृह मंत्रालय, जो होम मिनिस्ट्री थी, उसके जो मंत्री थे, मतलब पहले गृह मंत्री जो थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल, जो मंत्रियों की परिषद है, उसके बारे में आज हमने एनसीक्यू देखा। और जितना इस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको उपलब्ध करा दिए। इस सेशन को ध्यान से कर लें, इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लें, जो चीज़ समझ में नहीं आए एक दो बार वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगी। ठीक है, और बाकी आप जो भी आपके सेशन हो आप कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।